हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग डिज़ायर। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बाइसेक्शन मेथड का इम्प्लीमेंटेशन सी लैंग्वेज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले से ही इस प्रोग्राम को बनाया हुआ है, तो मैं यहाँ एक्सप्लेन करता चलूँगा। सबसे पहले कुछ टर्म्स हैं जिनको क्लियर करना ज़रूरी है। वैसे मैंने इसके थ्योरी पार्ट में उन टर्म्स को डील किया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं उस टर्म को फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। अगर आप चाहते हैं इसके थ्योरी पार्ट को देखना, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। फिलहाल जो सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म है एक टॉलरेंस वैल्यू। तो टॉलरेंस वैल्यू क्या होती है? लास्ट के जो हमारे रूट होते हैं, दो पॉइंट्स होते हैं किसी भी इक्वेशन के, उनके बीच कितना डिस्टेंस और उनके बीच का कितना डिफरेंस हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं, यही होती है टॉलरेंस वैल्यू। एज फॉर एग्जांपल, मैं इस प्रोग्राम को पहले रन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं वन एंड टू देखिए। अब यहाँ पर प्रोग्राम ये पूछ रहा है कि इंटर द टॉलरेंस वैल्यू। तो टॉलरेंस वैल्यू मतलब कि अगर लास्ट के दो पॉइंट्स आते हैं और उनके बीच का कितना डिफरेंस नेग्लिजिबल माना जा सकता है। तो यहाँ फिलहाल मैं देता हूँ 0 0 0 दिस वन। अब आप देख सकते हैं कि ये पॉइंट नेग्लिजिबल माना जा सकता है क्योंकि डेसिमल के 5 डिजिट तक। तो लास्ट की जो हमारी आंसर आएंगे, जो हमारा रूट फाइंड आउट होके आएगा, उनमें और उससे पहले वाले रूट में 0.0005 का डिफरेंस होगा। मैं यहाँ एंटर प्रेस करता हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये डिफरेंस हुआ। अगर आप यहाँ देख सकते हैं कि इटरेशन नंबर 10 में, इटरेशन नंबर 11 में ए की वैल्यू ये है एंड बी की वैल्यू ये है। दैट मीन्स कि ये जो रूट है, जो ये रूट है हमारा, उसमें जो लास्ट के जो रूट है उसमें इन दोनों के बीच का डिफरेंस 0.00005 है। तो वो अगर इतना डिफरेंस तक हम मानते हैं कि अगर एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा है, एग्जैक्ट मैच नहीं हो रहा है दो पॉइंट्स और लास्ट के दो रूट, तो अगर इतना भी डिफरेंस है तो लास्ट वाले को हम आंसर डिक्लेयर कर देते हैं, या फिर इसको हम किसी एक को आंसर डिक्लेयर कर देते हैं। तो इसके लिए टॉलरेंस वैल्यू होती है। अगर हम टॉलरेंस वैल्यू 0.00 कर दें तो शायद कोई ऐसा टर्म आए ही ना जो कि दोनों मैच हो, कोई दो लास्ट के पॉइंट ऐसा आए ही ना जो कि मैच हो, तो वो लूप इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा प्रोग्राम। एज फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। फिर से रन किया मैंने, इंटरवल 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं 0.000, ये लूप इनफाइनाइट लूप में चला गया। इसलिए चला गया क्योंकि जो आंसर है वो मैच नहीं कर रहा है, जो लास्ट के दो रूट्स हैं उनमें ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं आ रहा है। ठीक है, अब ये पॉइंट तो क्लियर हो गया। ठीक है, एक और हमने यूज किया हुआ है इस प्रोग्राम में, इस मैथ डॉट एच का एक फंक्शन है जो कि है फैब्स यहाँ। तो अब फैब्स क्या होता है? फैब्स एक ऐसा फंक्शन है जो एब्सोल्यूट डिफरेंस फाइंड आउट करके हमें रिटर्न करता है। तो फैब्स को अगर मिला 1.111111 ए हो गया और बी की वैल्यू है 1, तो वो एग्जैक्ट जो है डिफरेंस वो हमें रिटर्न करके देता है डबल टाइप का। ठीक है, तो इन दो टर्म्स को हमने यूज किया था। अब स्टार्टिंग से हम चलते हैं। तो सबसे पहले हेडर फाइल्स इंक्लूड कर लिया, उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ती है एक फंक्शन की। तो फंक्शन बनाया हमने, और फंक्शन में हमने इस इक्वेशन को
बना लिया, ठीक है। तो ये इक्वेशन है एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस वन। फिर से ये फंक्शन हमारा तैयार हो गया। अब हम चलते हैं मेन फंक्शन की ओर। इस फंक्शन को हमने इसलिए बनाया हुआ है क्योंकि इस फंक्शन का यूज करेंगे हम, और चूंकि ये फंक्शन कंटेन करता है हमारा इक्वेशन, तो हर बार हम इक्वेशन ना लिख के एक फंक्शन बना लेते हैं, उसमें हम एक्स की वैल्यू को पास करेंगे और इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग वो कैलकुलेट करके हमें रिजल्ट प्रोवाइड कर देगा। अब मेन फंक्शन में मेरे को क्या करना है, फ्लोट टाइप का ए बी सी एंड डी मैंने वेरिएबल लिया हुआ है एंड इंट आई इक्वल्स टू जीरो लिया हुआ है। आई इटरेशन को कैलकुलेट करेगा कि कितना इटरेशन हुआ है। उसके बाद सिंपली हमने यूजर से इंटरवल मांगा हुआ है। अब इंटरवल कैसे पता चलेगा, तो अगर आपने बाइसेक्शन मेथड को पढ़ा हुआ है तो आपको पता होना चाहिए कि हम इक्वेशन में पुट करते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड से, 0, 1, 2 एंड मैनी मोर थिंग्स, ठीक है। तो लास्ट के दो कंसेक्यूटिव, जब हमें दो कंसेक्यूटिव वैल्यू मिलते हैं, जैसे 1 पे हमें नेगेटिव वैल्यू मिला फंक्शन का और 2 पे हमें पॉजिटिव मिला, तो ये दोनों को हम एज अ पॉइंट, एज अ रूट, अप्रोक्सीमेट रूट इवेल्यूएट करते हैं, ठीक है, कंसीडर करते हैं। तो ए की वैल्यू यहाँ 1 हो गई और बी की वैल्यू यहाँ 2 हो गई, तो रन टाइम पे वही यूजर पुट करेगा ए की वैल्यू 1 एंड बी की वैल्यू 2। इस स्टेटमेंट में हमने वही यूजर से इनपुट लेने के लिए एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है दैट एंटर द इंटरवल इन विच रूट ऑफ द इक्वेशन लाइज, ठीक है, और उसको ए एंड बी में स्टोर किया हुआ है। फिर यूजर से टॉलरेंस वैल्यू की मांग की गई है कि कितना आप टॉलरेट कर सकते हो अगर रूट दो अप्रोक्सीमेट रूट के बीच का डिफरेंस कितना आप टॉलरेट कर सकते हो, दैट मीन्स कौन सी ऐसी वैल्यू है उन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है कितना नेग्लिजिबल हो सकता है, ठीक है। तो ये हुआ, फिर उसको टॉलरेंस वैल्यू को डी में हमने स्टोर किया है। अब यहाँ हमने स्टार्ट किया है एक डू वाइल को, डू वाइल लूप को, बेसिकली इसे किसी भी लूप से कर सकते हैं बट मैंने यहाँ डू वाइल लूप से किया हुआ है इसको। आपको पता होना चाहिए कि हम बाइसेक्शन मेथड को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो अगर हमें दो वैल्यूज़ पता हैं, दो पॉइंट्स पता है कि इनके और इनके बीच में हमारा रूट का इक्वेशन का रूट लाई करता है, तो हम एक थर्ड पॉइंट भी लेते हैं और उस थर्ड पॉइंट में स्टोर कराएंगे हम उन दोनों वैल्यू, उन दोनों पॉइंट्स के बीच का मिडिल पॉइंट, ठीक है, उन दोनों पॉइंट्स के बीच का पॉइंट हम स्टोर कराते हैं। तो वो कैसे होगा, ए प्लस बी, जो भी ए की वैल्यू है बी की वैल्यू है उसको 2 से डिवाइड कर दिया। अब सी में स्टोर हो गया हमारा मिडिल पॉइंट, ठीक है। अब हमने ये करना होता था बाइसेक्शन मेथड में कि सी जो भी आई है हमारी उसको इक्वेशन में पुट करना होता था, फिर फाइंड आउट करके हमें ये पता करना होता था कि इक्वेशन की वैल्यू सी पे नेगेटिव आ रही है या पॉजिटिव। अगर नेगेटिव आती थी तो लास्ट की उस पॉइंट को हम रिप्लेस करते थे जिस पे नेगेटिव वैल्यू आई थी, या फिर पॉजिटिव आती थी तो हमें लास्ट के उस पॉइंट को रिप्लेस करना होता था जिस पे पॉजिटिव वैल्यू आई है इक्वेशन की, ठीक है। तो सिंपली नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमने प्लस प्लस आई किया हुआ है क्योंकि आई के वैल्यू को इंक्रीमेंट भी करना है और नेक्स्ट टाइम के लिए इंक्रीमेंट कर दिया। तो आई की वैल्यू इनिशियली 0 थी तो अब 1 हो गई है क्योंकि ये फर्स्ट इटरेशन अभी हम चल रहे हैं। फिर यहाँ पर एक कंडीशन हमने लगाया हुआ है, एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ सी इज लेस देन 0। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस इक्वेशन में एफ ऑफ ए जो कि हमने यहाँ फाइंड आउट किया था, एफ ऑफ ए यही तो है एफ ऑफ ए, ठीक है, दिस इज एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए क्या है, नेगेटिव है। अगर एफ ऑफ ए नेगेटिव है और हमें एफ एफ ऑफ ए नेगेटिव है तो
तो इसे मल्टीप्लाई करना है हमें एफ ऑफ सी के पास, हमें पता है एफ ऑफ ए इज नेगेटिव, एफ ऑफ ए ए इज लेस देन जीरो, अब इसका मतलब यही हुआ कि एफ ऑफ ए नेगेटिव है, एफ ऑफ ए की वैल्यू जीरो है, जीरो से कम है, दैट मीन्स नेगेटिव है। तो अगर एफ ऑफ ए नेगेटिव है तो इस पूरे इक्वेशन को नेगेटिव होने के लिए क्या चाहिए, कि एफ ऑफ सी पॉजिटिव हो, कि एफ ऑफ सी पॉजिटिव हो। तो अगर एफ ऑफ सी पॉजिटिव आया तब हमें लास्ट की उस पॉइंट को रिप्लेस करना है, लास्ट का वो पॉजिटिव पॉइंट कौन था, बी था, यहां आप देख सकते हैं लास्ट के उस पॉजिटिव पॉइंट बी पे हमें पॉजिटिव वैल्यू मिला था। तो हम यहां ये करेंगे कि ये तो नेगेटिव है, अब पूरे इक्वेशन को नेगेटिव लाने के लिए हमें एफ ऑफ सी को पॉजिटिव रखना होगा। तो एफ ऑफ सी पॉजिटिव अगर आएगा तो रिप्लेस हमें किसे करना होगा, लास्ट के पॉजिटिव पॉइंट को सी से, ठीक है, सी से अगर हम रिप्लेस हमने कर दिया क्योंकि यही करना भी है। उसके बाद हमने एक स्टेटमेंट में ये प्रिंट कराया कि वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन परसेंट इटरेशन इज परसेंट एफ एंड परसेंट एफ, ठीक है। तो यहाँ से आई की वैल्यू, आई में यहाँ क्या हुआ था, वन स्टोर हुआ था क्योंकि जीरो था, प्लस प्लस आई किया हमने, वन हो गया। उसके बाद ए की वैल्यू तो एज इट इज रह गई जो भी थी, वन थी, एंड बी की वैल्यू जो सी की वैल्यू होगी वो अब बी में आ गई, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है ए तो नेगेटिव था ही, एफ ऑफ ए तो नेगेटिव था ही, अगर एफ ऑफ बी भी नेगेटिव आ जाएगा तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो फॉल्स होगा तो हम ई में एल्स पार्ट में आएंगे, एल्स पार्ट में अगर फॉल्स होगा तो हम सी की वैल्यू क्योंकि एफ ऑफ सी अगर नेगेटिव आएगा तब ये फॉल्स हो रहा है, तो सी की वैल्यू लास्ट की उस पॉइंट को रिप्लेस कर देगी जिस पे हमारा इक्वेशन का इवेल्युएशन नेगेटिव आया था। उसके बाद सिंपल वही स्टेटमेंट हमने प्रिंट कराया। आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। फिर से कंडीशन तो हमें लगानी है कि लूप कब तक चलेगा, ऐसे तो नहीं छोड़ सकते कि हमेशा लूप चलता रहे। तो कंडीशन ये है कि फैब्स इस, यहाँ पर हमारा जो डिफरेंस है, टॉलरेंस वैल्यू है, वो रोल में आता है। फैब्स ए एंड बी के बीच का डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है कि लास्ट के जो दो पॉइंट्स थे, दो रूट्स थे, अप्रोक्सीमेट रूट्स थे, उनके बीच का डिफरेंस कितना है। अगर वो डी से बड़ा है, डी में क्या स्टोर था, डी में हमारा स्टोर था टॉलरेंस वैल्यू, अगर वो डी से बड़ा है, टॉलरेंस वैल्यू से डिफरेंस ज़्यादा बड़ा आ रहा है, तो लूप को एज इट इज कंटिन्यू कर दो नेक्स्ट इटरेशन के लिए। अगर छोटा आ जा रहा है दैट मीन्स टॉलरेबल है। और एफ ऑफ सी का मतलब ये है कि हमारा फंक्शन फुल्ली सेटिस्फाई हो रहा है और वो जीरो प्रोवाइड कर रहा है, ना पॉजिटिव आया ना नेगेटिव आया, जीरो आ गया, फिर भी लूप को क्या करना है, कंटिन्यू रखना है, ब्रेक नहीं करना है। और अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारा लूप टर्मिनेट हो जाता है। और फाइनली जब हम लूप के बाहर आते हैं तो सी में एक ऐसी वैल्यू स्टोर हो गई होती है जो हमारी फाइनली रूट को, एग्जैक्ट रूट को आप कह सकते हैं कि फाइंड आउट करती है और एग्जैक्ट रूट को डिप्लॉय करती है। और लास्ट में मैंने ये प्रिंट एफ स्टेटमेंट लगाया हुआ है कि प्रेस एनी की टू एग्जिट एंड गेट सी एच ई, एक कैरेक्टर गेट करेगा और फाइनली हम प्रोग्राम से टर्मिनेट हो जाएंगे। सो एक बार मैं आपको रन कराता हूँ इस प्रोग्राम को और वैल्यू देते हैं 1 and 2। तो आप देख सकते हैं टॉलरेंस वैल्यू हम जैसे जैसे चेंज करेंगे वैसे वैसे हमारा आंसर्स भी चेंज होता रहेगा। आप देख सकते हैं अभी हमारा एग्जैक्ट 3247 1 8
तो 3 to 4 7 यहाँ पर दोनों सेम आ गया, तो जब सेम आ गया तो टॉलरेंस वैल्यू की कोई बात ही नहीं है, ठीक है। लेकिन इटरेशन 20 तक पहुँच गया, अगर हम टॉलरेंस वैल्यू को कम कर दें, कम दैट मीन्स ज़्यादा कर दें, काफ़ी डिफरेंस बढ़ा दें, तब ये देखना कैसे होगा। फिर से रन करता हूँ मैं इसे, वन एंड टू 0.1, 4 ही इटरेशन में हमारा आंसर मिल गया। बट ये ज़्यादा करेक्ट आंसर नहीं होगा क्योंकि 0.1 हमने लिया है यहाँ पर, ये एक प्लेस तक कंसीडर करेगा, फिर आंसर डायरेक्टली ही फाइंड आउट कर देगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पर आ रहा है 1.312500 और यहाँ है 1.37, तो ये डिपेंड करता है कि आप कितने डेसिमल तक अपना आंसर मैच कराना चाहते हो, ठीक है, कितने डेसिमल तक आप आंसर रखना चाहते हो, उसके लिए भी टॉलरेंस वैल्यू यूज हुआ होता है। फिर से नेक्स्ट टाइम अगर हम चाहते हैं कि 4 डेसिमल तक हमारा आंसर मैच हो, तो उसके लिए भी है 1 and 2, एंड अगर 4 डेसिमल तक चाहिए मेरे को तो 0000 एंड देन 5th में 1, तो करेक्ट 4 डेसिमल तक आपका आंसर यहाँ पर सेम आएगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज मस्ट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन।